सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेडी और आज इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लिखे हो। तो गाइज आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप आपके मोबाइल में जो है स्क्रीन शेयरिंग मतलब स्क्रीन कास्टिंग हम लोग बोलते हैं वो कैसे हम लोग चालू कर सकते हैं। तो बहुत बार प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है, मतलब सबको पता है ये कास्टिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये यूट्यूब टीवी पे क्लिक करना और हो जाएगा, बट ऐसा हर बार नहीं होता है क्योंकि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अंदर हमको जो है कोई भी दिख रहा नहीं है कि कोई स्मार्ट टीवी चालू है, वरना ऐसा कुछ भी दिख रहा नहीं है, जबकि स्मार्ट टीवी मैंने चालू भी रखी है। तो ये प्रॉब्लम का आज आपको मैं सोल्यूशन बताने वाला हूँ क्योंकि मेरे को भी ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था और जो मेरे को प्रॉब्लम फेस होता है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को स्किप मत करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ही इशू सॉल्व नहीं होगा अगर आप लोग स्किप करोगे। सबसे पहली बात तो गाइस ये है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से जो है ये सर्चिंग ही होते रहेगा लास्ट तक, भले टीवी चालू है फिर भी। तो अभी आप लोगों को बता दो कि इसका सोल्यूशन क्या है आपके पास, ठीक है। तो आपको जो है बहुत जगह मैंने देखा है कि ये ना मतलब बहुत लोग हैं वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सजेस्ट करते हैं कि ये देखो जैसे यूट्यूब में बहुत सारे पड़े हैं, फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ओपन करो, फिर उसमें इंस्टॉल करो, फिर उसको स्क्रीन शेयर करो, इतना सब कुछ आप लोगों को नहीं करना है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा जुगाड़ बताता हूँ जिससे ये इशू सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको स्मार्ट टीवी में जाना है सेटिंग में, सेटिंग में आपको जाना है एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में जाने के बाद ऑल ऐप्स में आपको जाना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग ऑल ऐप्स में गए उसके बाद जो है हम लोग जाएंगे यहाँ पे सबसे नीचे, और यहाँ पे सबसे नीचे लिखा होगा सिस्टम एप्लीकेशन को ओपन करने का, शो सिस्टम ऐप्स। तो जैसे ही उसमें गए हम लोग, उसमें आप लोग को जो है एक ढूंढना पड़ेगा जिसका नाम है एंड्रॉयड सिस्टम वेब व्यू, उसको आप लोग को जो है अनइंस्टॉल अपडेट करना है। अनइंस्टॉल अपडेट के साथ साथ आप लोग को इसका जो है क्लियर डेटा भी करना है, तो मैं अभी आप लोग को बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो अनइंस्टॉल अपडेट मैंने कर दिया, उसके बाद नीचे जो है क्लियर डेटा भी हमको मिलता है वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। तो इसका जो है सब कुछ सीनारियो खत्म हो चुका है। और एक अभी एप्लीकेशन है उसका भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, जिसका नाम है वही क्रोमकास्ट करके लिखा होगा, तो देख सकते हो क्रोमकास्ट करके लिखा है बिल्ट इन, तो उसको आप लोग को जो है अनइंस्टॉल अपडेट मारना है, ओके मारना है। तो ये कैसे ना सब में चलने वाला है, मतलब अगर आपका स्मार्ट टीवी है तो भी, और अगर आप लोगों का जो है मतलब कोई अगर आप बाहर से जो है कोई क्रोमकास्ट वरना ऐसा कुछ भी लगाते हो तो उसमें भी चलेगा, वरना एंड्रॉयड बॉक्स अगर आप लोग लगाते हो तो उसमें भी चलेगा। दोनों में आपने ऐसा कर दिया, इसके बाद आप लोग को जो है प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग को जो है आपके जो है सिंबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैनेज ऐप्स एंड गेम्स में जाना है, जहाँ पे आपको दो अपडेट अभी दिखेंगे क्योंकि हमने उसको अनइंस्टॉल मार दिया है। तो जितने भी अपडेट दिख रहे, दो ही नहीं जितने भी दिख रहे आप फटाफट से मार दो। मैं अभी इसको जो है थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देता हूँ ये इसको वीडियो को, तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आप लोग जो है सिंपली देख सकते हो कि यहाँ पे जो है अभी मैं मेरे फ़ोन में जाता हूँ स्क्रीन कास्ट वरना कास्टिंग पे वरना स्क्रीन शेयर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो है सिंबल आ रहा है। तो ये इशू ज़्यादा करके यूट्यूब हम लोग जब भी शेयर करते हैं स्क्रीन तभी नहीं होता, जब ये हम लोग पूरा मोबाइल हम लोग जब भी शेयर करते हैं स्क्रीन कास्टिंग करते तभी ये इशू होता है। तो इस तरह से देख सकते हो जैसे अभी ये मैंने क्लिक किया और एंड्रॉयड टीवी भी आया और अभी आपका टीवी भी जो है कनेक्ट हो चुका है। देख सकते हो मैं जो यहाँ पे मूव कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ वो पीछे आपको टीवी में दिख रहा है। तो आप लोग जो भी आपको अगर चलाना है इसका कास्टिंग करने गेम खेलना है तो वो आप आराम से खेल सकते हो। तो आई होप गाइस आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगती है जरूर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज आप लोग लाते रहता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बाय।